हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक है तो फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक है तो फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है। फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट सेटिंग्स आपकी ओपन आएगी। तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट लॉक को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, तो हमने वाला पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, कन्फर्म कर दिया है। फिर आपको डन करना हो शायद, तो आपके पास डन का ऑप्शन आ जाएगा, तो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को सेट करते हैं। यहाँ पर टैपर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको फ़ोन को अपने हैंड पे लेना है। तो आपको जो इसका फिंगर सेंसर है इस पर टैप करना है इस तरीके से, टैप करते जाना है जब तक ये पूरा फिलअप नहीं हो जाता। तो देखते हैं कि हमारे फ़ोन पूरा फिनिश हो चुका है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस पर डन करना है। डन करते फिंगरप्रिंट हमारे फ़ोन में सेट हो चुका है और यहाँ पर शो भी हो रहा है। इसी तरीके से आप तो ऐड फिंगर करना चाहें तो ऐड फिंगर भी कर सकते हैं। आप किसी अदर्स फिंगर को भी ऐड कर पाएंगे, जैसे हमारा ये वाला फिंगर इसमें ऐड हो रखा है, तो हम इसके साइड वाले फिंगर को ऐड कर लेंगे इस तरीके से, तो ये ऐड भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको टैप करते जाना है, इस तरीके की फिलअप करते ही जो हमारे फ़ोन में पूरा हो चुका है डन करते ही यहाँ पर टू फिंगर ऐड हो जाएंगे, जैसे आप जिसते हैं कि 1 और 2 शो हो रहे हैं, जिसका आप यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।